जम्मू और साबा में कोरोना वायरस से दो लोगों के संक्रमित होने की आशंका के बाद जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यह फैसला इन स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए एहतियात के तौर पर लिया गया है। राज्य सचिव रोहित कंसाल ने बताया कि दो लोगों के कोरोना वायरस के संक्रमित होने की जानकारी मिली है। अधिकारियों के अनुसार दोनों ही पीड़ितों को तेज बुखार की शिकायत थी और दोनों के टेस्ट पॉजिटिव आने की अधिक संभावना है। बता दें, दोनों ही लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, लेकिन दोनों वहां से फरार हो गए थे। हालांकि बाद में उन्हें फिर से पकड़कर अस्पताल में रखा गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोरोना वायरस से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। राज्य के सभी दफ्तरों संस्थानों से बायोमेट्रिक अटेंडेंस को 31 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर एहतियाती उपायों के तहत देश भर में होली और महिला दिवस समारोह से संबंधित कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है, जबकि शुक्रवार को दिल्ली के एक और व्यक्ति के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के साथ देश में अब तक पुष्ट मामलों की संख्या 31 हो गई है।